الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بن تیرے کہیں سر کو جھکایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے مان لے یا نہ مانے یہ تیری مرضی ہے پر تیرے بنا ہر ایک کو سنایا نہیں کرتے اور تیرا در چھوڑ کے کہیں جایا نہیں کرتے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه
सनावा। अल्लाह मलिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम, अल्लाह जल्ला जलालुहू वास्ते दरूदो सलाम आकाए दो जहां, रहमत कुल हादिये सुबुल खातिमुर रसुल सैयदिना हादीना मुर्शिदिना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम वास्ते मेरे मोहतरम जनाब मेरे भाई उस्मान असलम साहब और ज़ीवकार उलमाए इकराम, मुअज़्ज़ज़ साथियों, और जिथे तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओ बहनों, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आज रात रमज़ानुल मुबारक दी असाडे वास्ते बाएसे रहमत बनाए। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक दी इस घड़ी नू असाडे वास्ते बाएसे बख्शिश बनाए, और अल्लाह तबारक व तआला रमज़ानुल मुबारक दियाँ ए रहमतां बरकतां अल्लाह सानू इकट्ठियां करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मैं मेरे भाई कारी मोहम्मद उस्मान असलम साहब, इन्होंने मेरे नाल मोहब्बत फरमाई, शफकत फरमाई, दावत दीती, अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह इन्हां नूं बरकतां अता फरमाए, इन्हां दे इलम अंदर अल्लाह तबारक व ताला बरकतां अता फरमाए, इलम अंदर बरकतां अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला इन्हां नूं सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी अल्लाह अता फरमाए। बेशक मेरे वालिद मोहतरम दे नाल इन्हां दी मोहब्बत अल्लाह तबारक व ताला दे दीन वास्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान वास्ते, और फिर इंतहाई मोहब्बत के वालिद मोहतरम दी शागिर्दी शफकत तले रहे अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, अल्लाह इन्हां नूं सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बरकतां अता फरमाए। मैं हाजिर होया ते मैं पूछया जी की अर्ज करां, सीरत आयशा सुनावा, कहन लगे ठीक है सीरत आयशा सुनाओ। ये मेरे वालिद मोहतरम दा इंतहाई पसंदीदा और बहुत ज़्यादा बयान किया गया मौजू है, अल्लाह तबारक व ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए, और सीरत आयशा पढ़ने हाँ अल्लाह तबारक व ताला बरकतां अता फरमाए, रहमतां अता फरमाए। ते मैं बयान करना हाँ, तुसी अपनी मोहब्बत नाल सुनना है, और फिर मैं ये भी अर्ज़ कराँ कि जितनी देर मस्जिद के अंदर बैठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस सुनो, अल्लाह दा कुरान सुनो, ते अपने जहन दे अंदर अपनियां तकलीफां परेशानियां रख करके अल्लाह को तौबा करो, माफ़ी मंगो, अल्लाह को दुआ करो, और ये अर्ज़ करो अल्लाह तेरे घर अंदर बैठे हाँ, कुरान सुन रहे हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुन रहे हाँ, अल्लाह साड़ियाँ बीमारियाँ रफा फरमा, परेशानियाँ रफा फरमा, जो भी अपने जहन दे अंदर रख कर के बैठो अपनी परेशानियाँ नूं अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। सैयदना आए सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बीवी, अल्लाह तबारक व ताला ने प्यारे पैगंबर
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا میرا پاک محمد اے جبریل تیرے کول پیغام لے کر کے آیا ہے زوجیتا اے پیغام لے کر کے آیا اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے ذریعے دیوا جو حریر و ریشم دے اندر لپٹی ہوئی تصویر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کی تھی جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اے اللہ کا یا محمد محمد میرے پاک پیغمبر او محمد اے میں تواڈے واسطے پسند کیتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی تصویر حضرت جبریل علیہ السلام نے وکھائی وکھا کر کے کہا اللہ نے پسند کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا حضور علیہ السلام نے بھی پسند فرمائی میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے جڑے اعزاز عطا فرمائے جو شان عطا فرمایا میرے پاک پیغمبر نو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دے نکاح اندر آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح اندر آئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آئیاں میں قربان جاواں اس دوپٹے دی عظمت تو جو دوپٹہ اڑ کر کے ابو بکر دے گھروں چل کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف لے آیا عربی دے اشعار پڑھا متا یفتو فی تاج البیم جبینو متا یفتو فی تاج البیم جبینو یلو مثل مصباح الدجا المتوقد لوامی زلیخا لو رائینا جبینو لوامی زلیخا لو رائینا جبینو لا سرنا بالقطع القلوب علی اللیدی لا سرنا لوامی زلیخا لو رائینا جبینو لا سرنا بالقطع القلوب علی دی میرے والد محترم نے دا ترجمہ کیتا سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے مکھ پاک محمد دا چمکدا ہے یا بجلیاں نے لشکار دیاں سن امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد دے پیار دیاں جو زلیخہ نو کرن ملامت گئیاں جو زلیخہ نو کرن ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لئیاں جو زلیخہ نو کرن ملامت گئیاں جو زلیخہ نو کرن ملامت گئیاں انہاں اپنیاں انگلیاں کاٹ لئیاں جے ہووے دیاں میرے محمد نو جے ہووے دیاں میرے محمد نو جگراں وچ چھریاں اتار دیاں
जिगरां विच चुरियां उतार दियां। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ मेरा पाक पैगंबर अपने कपड़ियां नू पाक रख, ओ मेरा पाक पैगंबर बुतां दी पलीदी कोलों अपने आप नू पाक रख। मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह ने कुरान अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया या وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر। मेरे पाक पैगंबर नो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ओ मेरा पाक पैगंबर अपने कपड़िया नु पाक रख, ओ मेरा पाक पैगंबर अपने कपड़िया नु पाक रख, अपने आप नु बुतां दी पलीदी कोलों पाक रख। मेरे नबी दे बिस्तर केड़े, मेरे नबी दा बिस्तर, मेरे नबी दे अजवाजे मुताहरात हुजूर अली सलातु वसलाम दिया बीवियां, मेरे नबी दा, मेरे नबी दे कपड़े, मेरे नबी दिया बीवियां। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अंदर इरशाद फरमाया, फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम वअंतुम वअंतुम लिबासुल लहुन। तुसी उन्हां दा लिबास हो, ओ तुहाडा लिबास है। मेरे पाक पैगंबर नू अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अपने कपड़िया नू पाक रख। मेरा नबी भी पाक है, मेरे नबी दिया बीवियां भी पाक ने, मेरा नबी भी पाक है, मेरे नबी दे दूधीगर अजवाजे मुताहरात भी पाक ने, मेरे नबी दिया बीवियां पाक ने, मेरे नबी दिया बेटियां पाक ने, मेरे नबी दा बिस्तर पाक है, मेरे नबी दे अहल पाक है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बीवी माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला ना माँ मिलन वास्ते आई। मिसाल अर्ज कर रहा हाँ कि माँ मिलन वास्ते आई, आकर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने दे बाद हजरत माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला ना बाहर तशरीफ ले आईया, बाहर तशरीफ ले आईया, आ करके वेखिया कि मेरी माँ मिलन वास्ते आई है। दोपहर दोपहर दा वक़्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा। माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा माँ नू मिलिया, मिलने दे बाद बाहर होई, दौड़ लगाई पाक पैगंबर जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचियाँ। अर्ज कर दिया ने हुजूर, मेरी माँ मैनू मिल वास्ते आई है, मेरी माँ मेरे कोल मिलन वास्ते आई है। हुजूर अगर तुसी इजाजत दियो ते अंदर आन देवां, हुजूर तुसी इजाजत दियो ते अंदर आन देवां। हुजूर ने फरमाया अंदर बिठाओ, उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां नूं चाह पानी रोटी सत्तू शरबत वगैरह पेश करो, उन्हां दी इज्जत करो, उन्हां नूं बिठाओ। हो सकदा है कि तुहाडा इखलाक नाल पेश आना उन्हां वास्ते इस्लाम लियाने दा जरिया बन जाए। माँ उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वापस आईया, आ करके घर दे अंदर फरमाया, आ जाओ माँ, घर दे अंदर लै करके गईया, ले जा करके चार पाई ते बिठान लगियां, या जिस जगह ते बैठ दिया सन उस जगह ते बिठान लगियां। ते हुजूर अली सलातो सलाम दा बिस्तरा लपेटन लगियां, बिस्तरा लपेटन बिस्तरा लपेट करके एक साइड ते रखिया। कहन लगियां, माँ तू मुसलमान नहीं है, माँ तू मुशरिका है, इस वास्ते मैं तेनू अपने पैगंबर दे बिस्तरे ते बैठ दी इजाजत नहीं देवांगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आठ दिन हो गए घर अंदर कुछ नहीं बनया, आठ दिन हो गए घर दे अंदर खाना नहीं बनया। हुजूर अलैहि सलातु वसलाम घर तशरीफ लियांदे ने, आ करके आंदे ने, आयशा घर अंदर कोई चीज़ खाने दी है, हुजूर कुछ नहीं है। फिर आए कि
गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा घर अंदर कोई चीज खाने दी है, हुजूर कुछ नहीं है। मालूम होया कि पाक पैगंबर नु अज डाढ़ी भूख लगी हुई, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। हुजूर अलैहि सलातो सलाम बाहर जाते ने फिर आ जाते ने, बाहर जाते ने फिर आ जाते ने। इतने तक एक औरत मेरे पाक पैगंबर वास्ते खजूरा प्लेट दे अंदर 9 या 11 खजूरा लिया करके हुजूर अलैहि सलातो सलाम वास्ते तोहफा पेश कीता। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहि सलातो सलाम दी बीवी आयशा सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने, मैं उठा करके वो प्लेट ऊंची जगह ते रख दी थी, इस वास्ते जो खाना मैं भी 8 दिन तो नहीं खाता सी, इस वास्ते मैं ऊंची जगह ते रख दी थी। हुजूर आणगे ते खावांगे, हुजूर खाणगे ते खावांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मेरे पाक पैगंबर तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। मेरे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ओ खजूरां दी प्लेट सैयदना खजूरां दी प्लेट सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु भूख डाढ़ी लगी हुई, हुजूर अलैहि सलातो सलाम खजूरां खाण लगे, खजूरां खाण लगे, पता ना चलिया ज़हन अंदर ना रहा मां सैयदा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। हुजूर अलैहि सलातो सलाम ने खजूरां तनावुल फरमाइया ते जदों वेखिया ना सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला हादे चेहरे वाल के आयशा एक खजूरा तू भी खादिया ने के मैनू खिलाइया ने। आपने फरमाया हुजूर तुसी जो खादिया ते मैं खादिया, हुजूर तुसी जो खादिया ते मैं खादिया, हुजूर तुसी जो खादिया। गौर करो जरा, साडे घरों वाल अपने वाल भी गौर करो जरा, हुजूर तुसी जो खादियाँ ते मैं खादियाँ। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया आयशा तू नहीं खादियाँ, ये खजूरां मुनू खिलाइया ने, खजूरां ते हुण मुक गईयां, खजूरां ते हुण मुक गईयां। आओ मैं तेरे वास्ते दुआ करा। हुजूर अलैहि सलातो सलाम दुआ करन लगे, आयशा दस की दुआ करा। फरमाया हुजूर मेरे वास्ते दुआ करो, अल्लाह मैनू सबर और शुक्र दी तौफीक अता फरमा। फरमाया और दस की दुआ करा। हुजूर दुआ करो, अल्लाह कयामत वाले दिन मैनू तुहाडा साथ नसीब फरमान। उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे। उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, या लका या मुहम्मद पैगाम आया, अम्मी आयशा ते रब दा सलाम आया, अम्मी आयशा ते रब दा सलाम आया। सूरे नूर दी जद भी तिलावत होवे, सूरे नूर दी जद भी तिलावत होवे, अम्मी आयशा दी रोशन सिदाकत होवे। सूरे नूर दी जद भी तिलावत होवे, अम्मी आयशा दी रोशन सिदाकत होवे। तेरा कारी है दो जग दे अंदर, तेरा कारी है दो जग दे अंदर, तेरा कारी है दो जग दे अंदर, अम्मी आयशा दा मदरा सारा दिसे।
ऊंची अजमत है अम्मी आयशा दी, मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियो पाक बीवी, जिन्हों लोग जड़म लोग जिन्हे लोग मेरे पाक पैगंबर दी बीवी का गिला करते ने, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम दी उस पाक बीवी का गिला करते ने जिदा तारुफ ना चाचे ने कराया ना मामे ने कराया। मेरी तेरी अम्मा दा तारुफ चाचे ने कराया, मामे ने कराया, ताए ने कराया, ताई ने कराया, भाई ने कराया, इदा तारुफ सिर्फ और सिर्फ किन कराया, बोलो किने कराया? अल्लाह ने। अन्नबी अवला बिल मुमिनीना इन इन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम। अन्नबी अवला बिल मुमिनीना मिन अन्फुसिहिम, अन्नबी अवला में अवला, अन्नबी अवला बिल मुमिनीना मिन अन्फुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम, व अज़वाजु उम्महातुहुम, व अज़वाजु उम्महातुहुम। अल्लाह ने नबी दियां बीवियां नूं अल्लाह ने तुहाडियां मावां बनाया, किन तारुफ कराया, किने तारुफ कराया? अल्लाह ने क्या मेरे नबी दियां बीवियां तुहाडियां मावां ने, इन्हां बीवियां नूं जिहड़ियां नबी दियां बीवियां नूं अल्लाह ने तुहाडियां मावां बनाया, ते जिहड़ा मावां दा गिला करे ओह बंदा हलाल दा नहीं होया करदा। जिहड़ा मावां नूं गालां देवे, जिहड़ा मावां नूं कतल कर देवे, खंजर मार देवे, जिहड़ा मावां दा गिला करे वह बंदा हलाल दा नहीं होया करदा। मेरे पाक पैगंबर दी पाक बीवी हुजूर अलैहि सलातु वसलाम दी ओ बीवी जिदे मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया इन बीवियां नूं असीं तुहाडियां मावां बनाया, और हलाल दे बंदे मावां दा गिला नहीं कीता करदे। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार होइया, बीमार होने दे बाद हुजूर अलैहि सलातु वसलाम भी घर दे अंदर मां में मिस्ता आईया, आकर के अर्ज करदियां ने आयशा चलो चलिए बाहर चलिए। बाहर गईया, मां में मिस्ता दी चादरड़ी ते डिग गईया, डिग पईया, अदिया ने मिस्ता तू मर जाऊ चंगा सी, तेनू घर जो नजर आया ते मेरे मुहम्मद दा ही नजर आया, हुजूर अली सलातु वसलाम दा ही घर नजर आया। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हार्स कर दिया ने मां मिस्ता नू गाला क्यों देनी है, मां मिस्ता नू गाला क्यों देनी है, की गल है? हुजूर अली सलातु वसलाम दी बीवी सैयदा शाह सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला नालू मां उम्मे मिस्ता दिया ने उम्मे मिस्ता तेनू मैं शाह तेनू पता जो नहीं है कि मक्के दे अंदर की तूफान बदतमी दी है, की लोग कह रहे हैं, की मसले चल रहे हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम परेशान ने। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला नालू गल दसी गई कि तुहाडे उत्ते इल्ज़ाम लग्या है, तुहाडे उत्ते इल्ज़ाम लगाया है इन लोगों ने कि मेरे नबी दी बीवी पाक नहीं है, मेरे नबी दी बीवी सही नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गईयां, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम दी बीवी परेशान हुई। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना घर तशरीफ ले आईया, आकर के बेटियां मेरे पाक पैगंबर कोले आदियां ने हुजूर मैं इंज दी गल सुनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आयशा गल नूं ते 20-25 दिन गुजर गए ने इहदा कोई हल नहीं आया, जिबरील वही लै करके नहीं आया, ते मैं गल करां लोगां नाल ते की गल करां, जवाब देवां ते की जवाब देवां? मेरे पाक पैगंबर दे
वक्त मैं परेशान हाँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी परेशानी वेख करके माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अर्ज़ कर दिया ने हुजूर अगर तुसी इजाजत दिओ ते मैं अपने अब्बे दे घर चली जावां। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया आयशा चली जाओ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा फरमांदियां ने मेरा जिहड़ा बणिया होया महल मेरा महल बणिया होया अल्लाह दी तरफों जिहड़ा मेरा महल बणिया होया मेरा जहन बणिया होया पाक पैगंबर कदे भी इंज नहीं करदे कदी आहूं मेरा कह करके बुलाण कदी आ ऐश कह करके बुलाण। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चली जाओ आयशा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमान दे मुताबिक मैं बाहर निकल लगी बाहर जान लगी। सैयदा फरमांदियां ने मैं बार बार अपने नबी दे चेहरे वल वेखा मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ वेखा के हुजूर फरमान आयशा रुक जाओ मैं तेनू जैद नाल गल देना हाँ। आयशा रुक जाओ मैं बिलाल नूं आना तेनू अपने बाप तेरे बाबे दे घर छड़ियांदा है। मां आयशा फरमांदियां ने मैं वजनी पैरां दे नाल बारी पैरां दे नाल तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घरों चल करके अपने बाबे अबू बकर दे घर आई आ करके दरवाज़ा खटखटा रही हाँ दरवाज़ा बजा रही हाँ दरवाजा खटखटा रही हाँ अंदरों आवाजा आ रही हैं मगर कोई दरवाजा खोल नहीं रहा। मैं एवें दरवाजे नूं हाथ मारिया दरवाजा खुला होया मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला ना फरमांदियां ने मैं एवें चलदी हुई घर के अंदर दाखिल होई ना तो मेरे बाबा अबू बकर तशरीफ ले आए अदन तेरे नाल जो तेरा मुहम्मद नाराज सी तेरा साढ़े घर आने दा काम की थी। हुजूर मैं कहा बाबा या घर पेकियां दा या घर सोहरियां दा या घर पेकियां दा बेटियां वास्ते दो ही घर होया कर देने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलो मैं इजाजत ले करके अपने बाबे दे घर पहुंची चार पाई ते बैठी हुई दोपहर दा वक्त मेरे घर वाल सही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लिया रहे ने दूरों वेख्या आ करके दस्या मैनु बच्चे ने कि साढ़े घर वाल पाक पैगंबर तशरीफ लिया रहे ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साढ़े घर वाल आ रहे हैं मेरी माँ दिए हुजूर साढ़े घर वाल आ रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाए आ करके मेरी चारपाई ते बैठ गए और फरमाया मेरे पाक पैगंबर ने आयशा फस्तग़फ़िरी मिनल्लाहि ताला तुसी दुआ करो कि अल्लाह तबारक व ताला जो मैं ये बयान कर रहा हाँ कदी कदी इस तरह होंदा है कि दिमाग जड़ा है या जुबान है वड़न लग जाती है। बहरहाल अल्लाह को दुआ करो अल्लाह साढ़े गुनाह मुआफ़ फरमाए अगर ये मेरे गुनाह की वजह करके है तो अल्लाह मैं मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह तू ये जड़ा दिमाग दिल दिमाग ये चला दे और ये थोड़े जितने वक्त के अंदर मैं सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी ये थोड़ी जिनी अगे शान बयान करा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने फस्तग़फ़िरी मिनल्लाहि ताला आयशा अल्लाह को माफ़ी मांग अल्लाह को तौबा कर आयशा ये ना ते कोई होर ही गुनाह हो गया होएगा कोई होर ही गलती हो गई होएगी आयशा अल्लाह को माफ़ी मांग अल्लाह को तौबा कर। मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदिया ने हुजूर तुसी ये गल कह रहे हो हुजूर किस तरह मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला
गुनाह फरमा दिया ने अंत या रसूल अल्लाह। हुजूर तुसी ये गल कह रहे हो हालांकि तुसी ते अल्लाह दी मर्जी तो बगैर बोलते ही नहीं हो। इन इन हुआ इल्ला वही हा। मेरे पैगंबर तुसी अल्लाह दी वही तो बगैर बोलते नहीं हो। और फिर मैं क्या हुजूर मेरी ते अज वो गल बन गई है। इन्नमा अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। जो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा गम मेरा गुस्सा मेरा सब कुछ अल्लाह तेरे वल है, मैं भी अजे ही कह दिया इन्नमा अशकू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। इतने तक मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वही ना दिलाना शुरू हुई, अल्लाह दा कुरान ना दिलाना शुरू होया। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लौला इज़ समिअतुम कुल्तुम मा यकूनु लना अन तकल्लम बिहादा सुभान अल्लाह। आयशा पाके मेरा नबी पाके मेरा अल्लाह जिवे गैबां ते शरीकां दे तसव्वुर कोलों पाके इवें आयशा दी ज़ात गुनाहां दे तसव्वुर कोलों पाके। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनू फिद्दुनिया वल आखिरा। माएशा दे गुस्ताखां ते लानत माएशा दे गुस्ताखां ते असी नहीं कहंदे अल्लाह दे लुइनू फिद्दुनिया वल आखिरा उन्हां ते भी लानत है जिहड़े माएशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला नाल दी तौहीन करदे ने। अदे ने माहुना और बात है बीवियों ना और बात है एक उठिया अदे माहुना और बात है नबी की बीवियों ना और बात है। गलती किसी से भी हो सकती है मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमा दे रहे लुइनू माएशा दे गुस्ताखां ते लानत है मिर्जा दे अदे माएशा सिद्दीका को और दीगर सहाबा को मैं बागी मानता हूँ। मैं अदा जे असी कुछ ना भी आखिए ते तेनू अल्लाह खुद कह रहा है लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा। ए अपने मारण वास्ते अपने आप नू मारण वास्ते अपने उत्ते फिटकार पाउण वास्ते अपने उत्ते लानत पाउण वास्ते अपने आप नू पिटण वास्ते दुनिया दे अंदर भी अपने आप ते फिटकार पाने वास्ते दुनिया दे अंदर लाइसेंस लभदा फिरदा है कि मैं अपने आप नू पिटना है मैनू लाइसेंस दो, मैं अपने आप नू चुरियां मारनिया ने मैनू लाइसेंस दो, मैं अपने आप नू मारना है मैं अपने आप नू पिटना है मैनू लाइसेंस दो। लाइसेंस लै करके पिटदा है मगर असल की है असल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लुइनू
फरिश्तियां दी भी लानत, अल्लाह दी भी लानत, दुनिया दे अंदर भी लानत। लुइनू फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया दे अंदर भी लानत है, आखिरत दे अंदर भी लानत है। तेरी पाकीज़गी पर नुतके फितरत ने शहादत दी, तेरी पाकीज़गी पर नुतके फितरत ने शहादत दी। तुझे अजमत आता की आफियत बख्शी फजीलत दी। अगर तेरी सहर परवर अदाओं पर हर्फ आ जाता, खुदा का इंतखाबी फैसला मखदूश कहलाता, और खुदा ए लम यज़ल का बारहा बारहा तुझ पर सलाम आया। मुबारक है वो लब जिन पर अदब से तेरा नाम आया। रसूलुल्लाह ने रखा है सिद्दी का लकब तेरा, फकत फर्शी नहीं अर्शी भी करते हैं अदब तेरा। और तेरा हुजरा मीने खास है जाते रिसालत का, बिसाते अर्ज पर टुकड़ा यही है बागे जन्नत का। वलौला इज समिअतुमुकुल तुम मायकूनु लना अन तकल्लम बिहादा सुभानक हादा बूतान।